आज के हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। हम बात करेंगे आपके साथ ये नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में, और नंबर फॉर्मेटिंग में हम बात करेंगे कस्टम के बारे में, राइट। तो बाकी जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो तो सिंपल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। हेलो, नहीं जरूरत नहीं है। कस्टम पे आते हैं, कस्टम का यूज क्यों होता है, चलिए इस चीज को जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल जो सबको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे चेक नंबर लिखना हो, और चेक नंबर जो है डिजिट में लिख चुके, किसने लिख दिया है ऑलरेडी और डिजिट कंप्लीट नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसके कस्टम पे जाएंगे, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम हम इस पे जीरो डाल देंगे, राइट सर। और जैसे हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो आप देखिए 6 0 मेंटेन कर दिया। अब ये जीरो का फंडा क्या है, चलिए बताते हैं आप। देखिए कोई भी नंबर आप लिखते हैं, अगर आप इसके आगे जीरो लगाना चाहते हैं, मतलब कि एक डिजिट मेंटेन करना चाहते हैं कि 5 डिजिट का होना चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है कि हर कोई हर नंबर हमारा 5 डिजिट का या 6 डिजिट का हो, कोई कम भी हो सकता है और कोई ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 हमने 5 0 लगा दिया। 5 0 लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पे अगर नंबर कम हुआ, मतलब कम डिजिट में हुआ, ऐसे यहाँ पे देखिए 3 ही है, इसने 2 0 आगे लगा दिया। अगर 4 होता तो 1 0, और 5 होता तो कोई नहीं, और 6 होता तो कोई बात नहीं। अच्छा। ज्यादा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम होने पे फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, कम होने पे फर्क पड़ता है। दूसरा, हम हैश का यूज भी करते हैं जीरो के जगह। अब क्यों करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1500 लिखा, लेकिन मुझे अपने डेटा में 1500 शो नहीं करना है, मुझे शो करना है MRP 1500। बट मैंने MRP मैनुअल लिख दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब मैं इस पे किसी भी कैलकुलेशन को करूंगा तो वो एरर आएगा। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन करूंगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने नंबर के साथ टेक्स्ट जोड़ दिया है, और एक्सेल कहता है कि अगर आपने नंबर के साथ टेक्स्ट जोड़ दिया है, इट मींस वो टेक्स्ट है, हम उस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है सर, करेक्ट सर। तो हम चाहते हैं कि मैं टाइप को 1500 करूं, रहे भी 1500 और कैलकुलेशन भी 1500 पे हो, बट शो हो MRP 1500। तो कस्टम फॉर्मेटिंग इस काम को कर सकता है। कस्टम फॉर्मेटिंग में यहां ऊपर कोड में अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में MRP लिख दिया, अब इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट जो है उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना पड़ता है। इसके बाद या पहले हम जीरो या हैश यूज करेंगे। तो बाद में कब यूज करेंगे, जब MRP आपको स्टार्टिंग में रखना है। जैसे मैंने आपने जीरो दे दिया तो MRP 15 आया, हमने जीरो कहां दिया, हमने जीरो लास्ट में दिया, राइट, स्पेस बार दे के जीरो दे दिया। हाँ, इसके पहले अगर मैंने जीरो दे दिया तो क्या होगा, 1500 MRP आएगा, राइट। राइट, आपकी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जीरो दे दीजिए या हैश दे दीजिए, लेकिन जीरो और हैश देना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ MRP लिख देता हूँ, जीरो हैश कुछ भी नहीं देता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ MRP शो होगा बट आपका नंबर शो नहीं होगा। इसलिए आपको इसके आगे जीरो या हैश तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो आप दिख रहे हैं MRP 1500, ये जस्ट विजुअल है, मतलब कि शो हो रहा है, एक्चुअल में आपका ये 1500 ही है। अच्छा। इस पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन होगा।
और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कि हम जीरो और हैश क्यों देंगे। करेक्ट करेक्ट, क्लियर है। अब जीरो क्यों देंगे और हैश क्यों देंगे? देखिए, अगर मैंने यहाँ पे जीरो एक एक जीरो या एक हैश दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैंने दो या दो से ज्यादा जीरो दिया तो फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे फाइव लिखा तो यहाँ पे जीरो फाइव आ गया। जैसे कि मैंने ऊपर समझाया कि अगर मैं कम डिजिट लिखता हूं तो जितना डिजिट कम होगा उतना जीरो आगे लगा देगा। तो यहाँ पे हमने दो जीरो दिया था, एक जीरो हम इसमें एक लेटर लिखा तो एक कम है तो इसने एक जीरो लगा दिया। अब मैं ज्यादा लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, हैश का यूज होता है कि आप हैश एक दे दीजिए या दस दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टाइप करेंगे वही शो होगा। ठीक है, गॉट इट। तो जीरो कब देना है? जब हमें आगे जीरो लगाना है, मतलब कि मेंटेन करना है डिजिट अगर कम हो तो। ठीक है सर, गॉट इट। आप दे सकते हैं जब आपको जीरो लगाना हो, लेकिन दोनों हैश या जीरो देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो नंबर आपका शो नहीं करेगा। ठीक है सर। अब चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर यहां पर है और मैं चाहता हूं प्लस 91 लगा के लिखना, पर प्लस 91 नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है सर? नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं टाइप कर चुका हूं सर, टाइप करेंगे चलो प्लस 91 सिंगल कोट लगा के भी लगा दे, लेकिन आप ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं और आपको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट में आप चाहते हैं कि आपका प्लस 91 लगा हुआ आए, तो हम कस्टम में जाएंगे और यहां पे प्लस 91 और फिर यहां पे एक या एक हैश या जीरो, कुछ लोग तो 10 जीरो डाल देते हैं या कुछ लोग 10 हैश डाल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। ठीक है, आ गया इसमें इनवर्टेड कॉमा, मतलब ये सवाल मैं आपको बोलने वाला था कि हमने यहाँ इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाया। हमने आपको बताया कि इनवर्टेड कॉमा हम टेक्स्ट में लगाते हैं और 91 टेक्स्ट नहीं है। आप बोलेंगे सर प्लस, तो प्लस भी टेक्स्ट नहीं है, प्लस स्पेशल कैरेक्टर है और स्पेशल कैरेक्टर को इन्वर्टेड कॉमा में डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप यहाँ डाल सकते हैं, आपको एक्सेल मना नहीं कर रहा डालने के लिए, बट एक्सेल कर रहा है कि ना डालो भी तो फिर भी मैं समझ जाऊंगा। समझ गए? ठीक है सर, गॉट इट, गॉट द लॉजिक। अब यहाँ पे जैसे मेरी आईडी है, मीटिंग आईडी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ कस्टम में गए और यहाँ पे हमने कर दिया 1 2 3 यहाँ पे डैश, 1 2 3 यहाँ पे डैश, 1 2 3। अब क्या हुआ, हर तीन के बाद डैश लग जाएगा, 1 2 3 9 6 लग गया। लग गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लगाना चाहता हूँ, तो अकाउंट नंबर या कोई भी नंबर जो है एक्सेल में आप 11 डिजिट तक आराम से लिख सकते हो। जैसे 12 डिजिट डालोगे वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो कुछ मत कीजिए, कस्टम में जाइए, एक हैश या जीरो दे दीजिए, आपका नंबर शो हो जाएगा। समझे? ठीक है सर। एक हैश या जीरो कुछ भी दे सकते हैं। अब लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आप 15 डिजिट तक ही लिख सकते हैं। 15 डिजिट के बाद जैसे 16 डिजिट आप टाइप करेंगे वो जीरो बन जाएगा। बन गया सर? जितना डिजिट आगे लिखेंगे उतना जीरो बना देगा। तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, एक्सेल के अंदर में इन द नंबर फॉर्मेट, मतलब कि नंबर फॉर्मेट के रूप में आप 15 डिजिट तक ही लिख सकते हैं। 15 डिजिट के बाद का जितने भी नंबर होंगे वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो नंबर है वो आपका कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन की जो कैपेसिटी है इतना ही है। तो यहां हम बात कर रहे थे कि अगर 15 डिजिट से ज्यादा नंबर है तो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो एक्सेल है
आपकी जो सिस्टम है, नॉट एक्सेल, आपकी जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी ही इतना है कि वो 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन कर सके, इससे ज्यादा के वो कैलकुलेशन करने की कैपेबल नहीं है। समझ गए सर? लेकिन इससे ज्यादा नंबर लिखना हो तो सिंगल कोट लगाइए और 32,767 डिजिट आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर। अब इससे बात होता है कि अभी से मैंने बताया कि इसमें हमने बीच में डैश लगा लिया, इसमें और भी चीजें भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड के मेरे पास सिर्फ 8 डिजिट है और हम कुछ इस तरह से उसको लिखते हैं, आप देखते होंगे स्टेटमेंट में। बराबर बराबर। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लिखने में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मैं चाहता हूं कि मैं 8 डिजिट ही लिखूं और ऑटोमेटिकली बीच में वो XXXX लगा दे। तो अभी जैसे मैंने इसका यूज किया है ना, सेम चीज यहां भी कर सकते हैं जीरो या हैश के थ्रू। मैं जीरो लेके चलता हूं, 1 2 3 4 जीरो दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा में XXXX। और इन्वर्टेड कॉमा इसलिए क्योंकि एक्स जो है वो टेक्स्ट है ना, और फिर उसके बाद 0 0 0 0। ठीक है, आ गया। ठीक ठीक है। इसका यूज आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया मैंने। अब जैसे कि मान लीजिए थाउजेंड का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 25,000 लिख दिया। 25,000 में मैं यहाँ फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ टेक्स्ट में आता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हैश कॉमा और हैशेस कर दूंगा 3 बार, तो 0,00 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक कॉमा सेपरेटर लग जाएगा ना सर। बराबर। लेकिन मैंने इसमें मान लीजिए कि कॉमा सिर्फ दिया, हमने जीरो लास्ट में हैश नहीं दिया, जीरो नहीं दिया, हमने जीरो कॉमा या हैश कॉमा कर दिया, तो आपका जो फिगर है 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब मैं यहाँ पे के कर देता हूँ तो देखिए आ गया 25 के आ गया। क्लियर है सर? बराबर सर। इसी तरह से अगर आपके पास करोड़ में है, जैसे कि मैंने एक बड़ा फिगर लिख दिया तो इसको जो है आप ये कर सकते हैं इस तरह से कि 0.00 एंड डबल कॉमा। मैं अब 0.00 क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी अमाउंट है ना, तो जैसे कि इसमें अब 1 मिलियन ज्यादा होता है ना सर। अब इसके आगे पीछे भी कोई करेक्टर आप लगा सकते हो। उसके बाद डेट, हमारे पास डेट, जैसे मान लीजिए कि आज का डेट दिया, अब डेट की जो फॉर्मेटिंग है हमारे पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट डेट के अंदर है, वो तो यूज कर सकते हैं आप। बट कस्टम के अंदर हमारे पास ये होता है DDMMYY, दिख रहा है आपको DDMMYY। डीडी डे के लिए है, MM मंथ के लिए है, YY ईयर के लिए है। अगर मैं यहाँ पे 3 बार डी डाल दू तो संडे मंडे शॉर्ट में आएगा, 4 बार डी डाल दू तो कंप्लीट सैटरडे संडे संडे मंडे पूरा लिखा हुआ फुल आएगा। मंथ में भी आपका 2 है 3 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, जैन फेब शॉर्ट में, और 4 डाल दू तो जनवरी फरवरी आ जाएगा, और ये आपको दिख ही रहा है। अब इसको आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, और सेम आपका टाइम का होता है इसमें कि आवर मिनट सेकेंड, आवर मिनट सेकेंड कर सकते हैं आप। या मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एच फॉर आवर, एम फॉर मिनट और एस फॉर सेकेंड और स्लैश एमबीएम, इसे यहाँ देखे ना आप यहाँ पे एमबीएम भी दे सकते हैं। अब ये जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है,
अब जो है हम लोगों को एक आर्टिकल देते हैं पढ़ने के लिए, यहां पे कस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है। मैं चाहूंगा कि इसको आप एक बार स्टडी करें, यहाँ पे खोल लीजिएगा, इतना ही नहीं है, इसके नीचे भी ये जो है ना दिख रहा होगा, ये भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट आर्टिकल में साफ बताया है कि कैसे कैसे कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज होता है, तो एक बार आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है, वो व्हाट्सएप में पिंग कर दो, व्हाट्सएप में दो, ठीक है, चलिए। उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके पास कंप्लीट ये एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। और सर अगर आप